बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का दूसरा अध्याय लहासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, पढ़ चुके हैं। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अब बच्चों, इस पाठ के तीसरे भाग में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। पहली बार जब लेखक वहां गए थोंगला, तो वहां पर उन्हें उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। लेकिन जब वो दूसरी यात्रा के लिए गए, तो उन्होंने बहुत ही भद्र वेश, बहुत ही अच्छा वेश अपना रखा था, लेकिन फिर भी उनको वहां पर उचित स्थान नहीं मिला, ठहरने के लिए उनको अच्छी जगह नहीं मिली। इसका कारण क्या था? तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता है। तो तिब्बत की जो यात्रा पर वे गए थे, तो वहाँ पर जान पहचान के आधार पर ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। अगर जान पहचान नहीं होती थी, तो वहाँ पर यात्री को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। तिब्बत के जो लोग हैं, वे शाम को 6 बजे बाद छंग नाम की एक मदिरा होती है, उसे पीकर के मदहोश हो जाते हैं। तो इस कारण से उन्हें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। उस समय वे यात्रियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिकमंगे के वेश होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला। तो जाते समय, क्योंकि सुमति इनके साथ में था और सुमति के जान पहचान के लोग हर गांव में थे, तो चाहे ये भिकमंगे के बेच में थे, पर फिर भी इनको ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान नहीं मिल सका। इसी कारण से दूसरी यात्रा के समय जब ये वापस आए थे, तो भद्र वेश में अच्छे वेश में थे, परंतु फिर भी इनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि उस समय यह सुमति के साथ नहीं थे, इनके जान पहचान के लोग इनके साथ में नहीं थे, और इनको सही तरीके से व्यवहार करना भी नहीं आया। तो यही कारण था कि दूसरी बार बहुत अच्छे यात्री के वेश में होने पर भी उनको उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। हर देश में हथियार ना रखने का कानून होता है, लेकिन तिब्बत में हथियार ना रखने के लिए कोई भी कानून नहीं था। इस कारण से यात्रियों को वहां से गुजरते समय बहुत ज्यादा डर लगता था। सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। इसलिए हर व्यक्ति के पास वहां पर पिस्तौल, बंदूक आदि हथियार बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। दूसरे, वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे। वहां पर बीच बीच में रास्ते में बहुत सारे निर्जन, यानी कि ऐसे स्थान जो कि बिल्कुल सुनसान थे, जहां पर कि कोई भी आता जाता नहीं था, बहुत कम लोग वहां पर आते जाते दिखाई देते थे। तो बहुत सारे ऐसे निर्जन स्थान वहां पर थे, जहां ना पुलिस का प्रबंध था, ना खुफिया विभाग का। वहां पर ना तो पुलिस का प्रबंध था, ना तो पुलिस की व्यवस्था थी, ना ही खुफिया विभाग की वहां पर व्यवस्था थी, ना ही वहां पर कोई गुप्तचर विभाग की भी व्यवस्था थी। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। वहां पर अगर कोई यात्री डाकुओं के हत्थे चढ़ जाता था, तो डाकू उसे बहुत ही आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। इसलिए यात्री जो कि वहां की यात्रा करते थे, उन्हें हमेशा ही हत्या का और लूट मार होने का डर बना रहता था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से बिछड़ गया? लंकोर के मार्ग में लेखक घोड़े पर जा रहा था और वह अपने साथियों से बिछड़ गया था, क्योंकि लेखक का जो घोड़ा था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और एक स्थान पर लेखक रास्ता भी भटक गया था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गया। पहला कारण, उसका घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, और दूसरा कारण है, लेखक रास्ता भूलकर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया। उसे वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि वह गलत रास्ते पर चला गया था और वहां से वापस लौट करके आना पड़ा, इसलिए उसे रास्ते में बहुत ज्यादा समय लग गया।
लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? वैसे तो लेखक यह नहीं चाहता था कि सुमति अपने यजमानों के पास जाए। वह ऐसा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि जो सुमति था उसके यजमान आसपास के सारे गांव में थे और वह बहुत ज़्यादा समय लगा सकता था। और लेखक को लगता था अगर हम इतनी धीमी गति से चलेंगे तो लहासा पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए लेखक ने सुमति से कहा था कि वह रास्ते में अपने किसी भी यजमान से ना मिले। लेकिन दूसरी बार लेखक को पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें मिल गई थी जिनमें उनसे बहुत ज़्यादा रुचि थी। बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ने के लिए लेखक को समय चाहिए था और वह अकेले रहना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया। लेखक ने सुमति को पहली बार उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वह वहां जाकर ज्यादा समय ना लगाए। इससे लेखक को एक सप्ताह तक ठहरकर इंतजार करना पड़ता। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थीं। उन मूल्यवान पुस्तकों को पढ़ने के लिए ही लेखक वहां पर रुका। वहाँ अकेले में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। इसलिए इसने बहुत ही आसानी से सुमति को उसके यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न 5 देखते हैं बच्चों। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान, लेखक जब तिब्बत यात्रा पर गया था तो इस दौरान पहली बार डांडा थोंगला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि डांडा थोंगला बहुत ही विकट क्षेत्र था, बहुत ही कठिन क्षेत्र था। बहुत दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी जीव नहीं मिलता था, कोई मनुष्य नहीं मिलता था, कोई घर नहीं मिलता था। इस मार्ग पर डकैतों के भय से भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा, क्योंकि इस मार्ग पर डकैत बहुत मिलते थे। वो किसी भी व्यक्ति को अकेला देखते ही उसे लूट लिया करते थे और लूटने से पहले ही उसे मार भी दिया करते थे। इस कारण से इन्हें भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा, क्योंकि भिखमंगे के पास तो कुछ भी होता ही नहीं है, तो उसे भला डकैत कैसे लूट सकते हैं। यहीं से लंकोड़ जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया और यहाँ से आगे जब वह लंकोड़ के लिए जा रहा था तो घोड़े पर बैठा था और अपने साथी लोगों से पीछे रह गया और दूसरे रास्ते पर चला गया। तो इस तरह वह गलती से भटक गया। दूसरी बार तिंगड़ी के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशानी उठानी पड़ी। तिंगड़ी का जो मैदान था वहाँ पर नीचे तो बहुत सर्दी थी क्योंकि चारों तरफ बर्फ थी और ऊपर से बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इस कारण इस परिस्थिति में उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृत्तांत में हमने स्थान स्थान पर तिब्बत के लोगों के रहन सहन, खान पान आदि के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि वहाँ के समाज की व्यवस्था कैसी थी। तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा था। तिब्बत का जो प्रदेश था वह विभिन्न जागीरों में या जमीनों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थीं। वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ थे और उन बौद्ध मठों के अधीन वह सारी जमीनें या जागीरें थीं। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप कराते थे। उन जागीरों के जो मालिक थे या जागीरदार थे वह वहाँ पर खेती की व्यवस्था स्वयं ही कराते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। खेती करने के लिए वहाँ पर बहुत आसानी से लगभग मुफ्त में ही मजदूर मिल जाया करते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वहाँ पर जो व्यवस्था होती थी जागीरों की, उनकी देखभाल भिक्षुओं के द्वारा की जाती थी। हर जागीर की व्यवस्था एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। वह जो भिक्षु था उसका वहाँ पर बहुत अधिक सम्मान होता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। वहाँ के लोग छुआछूत, जाति पाति और घूंघट, पर्दा प्रथा, इनमें विश्वास नहीं करते थे। प्रश्न 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं अब पुस्तकों में घुस गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? इस वाक्य का अर्थ क्या है?
लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। पहला है, लेखक है पुस्तकें पढ़ने में उसका मन लग गया था। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। क्या लेखक पुस्तकों की जो शेल्फ होती है, अलमारी होती है, उसके भीतर चला गया था? नहीं, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। वो पुस्तकों के अंदर घुस गया था? नहीं, पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छपा था। कि पुस्तकों में लेखक का, राहुल जी का परिचय चित्र छपा था? नहीं। तो यह तीनों गलत है। इसका उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, क्योंकि उन पुस्तकों में लेखक को बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वह मन लगाकर उन पुस्तकों को पढ़ रहा था। प्रश्न 8, यह रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है। तो हम देखते हैं 8वां प्रश्न। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गाँव में मिले। हर स्थान पर सुमति के जान पहचान के लोग थे। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करते हैं? सुमति के व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनके बारे में हम जान पाए हैं इस पाठ के माध्यम से? सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। सुमति का परिचय यानी कि जान पहचान और सम्मान, जो लोग उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे, उसका दायरा या क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा था। बहुत बड़े क्षेत्र में सुमति के जान पहचान के लोग मिलते थे। तिब्बत के टिंगड़ी प्रदेश में अधिकतर गांवों में उसके जान पहचान वाले थे। अधिकतर गांवों में सुमति के जान पहचान के लोग या उसके यजमान मिलते थे। वह उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में पूजनीय था। सुमति को वहां पर धर्म गुरु माना जाता था। धर्म गुरु के समान ही उसे वहां पर सम्मान दिया जाता था। वह सबको बौद्ध गया का गंडा देता था। वहां पर वह जितने भी अपने मिलने वाले होते थे, परिचित होते थे और यजमान होते थे, उनको बौद्ध गया का गंडा देता था। गंडा एक प्रकार का कपड़े को चीर कर बनाया गया ताबीज जैसा होता है। तो वह एक प्रकार का गंडा अपने सारे यजमानों को देता था। लोग गंडे को पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। लोगों का लगता था कि यह जो गंडा है, यह हमें मुसीबतों से बचाएगा, इसलिए वह उस गंडे को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाते थे। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा। ऐसा लगता है कि सुमति बहुत ही स्नेही, मृदु स्वभाव का और मिलनसार रहा होगा। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत ही मीठी बातें करने वाला होगा। वो सबका बहुत ही ध्यान रखने वाला होगा। कभी कभी उसे क्रोध भी आता था। कभी ऐसा भी होता था कि वह क्रोधित हो जाता था। जब लेखक को पहुंचने में देर हो गई थी, तब भी वह बहुत क्रोधित हुआ था, लेकिन शीघ्र शांत भी हो जाता था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका क्रोध शांत भी हो जाता था। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। बच्चों, ऐसा होता है समाज में कि हमारी वेशभूषा के आधार पर ही हमें सम्मान मिलता है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कि गंदे कपड़े पहना हो, मैला कुचैला हो, उसका सम्मान नहीं करते। तो देखिए, यह सच है कि लोग बहुधा यानी कि अधिकतर आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय करते हैं। मनुष्य की वेशभूषा देखकर ही हम आचार व्यवहार के तरीकों को तय करते हैं। हम अच्छी वेशभूषा देखकर किसी को अपनाते हैं। अगर कोई साफ सुथरा व्यक्ति होता है, अच्छी वेशभूषा पहने हुए होता है, तो हम उसको बहुत जल्दी अपना लेते हैं, उसके साथ बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि यह एक अच्छा सभ्य व्यक्ति है। तो गंदे कपड़े देखकर उससे दूर भागते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मैला कुचैला होता है, गंदे कपड़े पहना होता है, तो उसे देखकर के हम दूर भागते हैं। उसे हम कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते। हमारे विचार से पहनावा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। केवल पहनावे के द्वारा ही हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पूरा समझ लेना ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं। बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, भिक्षु होते हैं, वो बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते हैं तथा सम्माननीय होते हैं। परंतु फिर भी उनका चरित्र बहुत महान होता है और वे बहुत सम्माननीय होते हैं। तो केवल वेशभूषा के आधार पर हमें किसी व्यक्ति के विषय में धारणा स्थापित नहीं करनी। चलिए बच्चों, प्रश्न 10 देखते हैं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर
तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। आपने यह यात्रा वृत्तांत पढ़ा है, इसके आधार पर तिब्बत की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो भूगोल है, उसका शब्द चित्र आपको प्रस्तुत करना है, यानी शब्दों के माध्यम से एक चित्र बनाना है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप उसे क्या बताना चाहते हैं। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का वातावरण आपके शहर से किस तरह से भिन्न है, यानी कि अलग है, यह आपको बताना है। तिब्बत पहाड़ी क्षेत्र है, तिब्बत तो पहाड़ी इलाका है। अब आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं या किसी और इलाके में रहते हैं, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। यह समुद्र तट से 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर है। इसके मार्ग ऊंचे नीचे और निर्जन हैं, इसके रास्ते ऊंचे नीचे हैं और निर्जन हैं, यानी वहाँ पर बहुत कम मनुष्य दिखाई देते हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने बीहड़ हैं। पहाड़ों के जो अंतिम सिरे हैं, जो बिल्कुल लास्ट के सिरे हैं, और नदियों के जहां पर मोड़ हैं, वहां पर तो बहुत ही खतरनाक सूने बीहड़ हैं, सुनसान रास्ते हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई बस्ती नहीं होती, बहुत दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं होती, कोई गांव नहीं होता और कोई लोग रास्ते में नहीं मिलते। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। एक तरफ तो हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे, बहुत ही ऊंचे और नंगे पहाड़ खड़े हैं। नंगे का अर्थ है यहाँ पर उन पर कोई भी वनस्पति नहीं है, उन पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, तो ऐसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। बच्चों, हमने लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। मुझे आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे, अगले पाठ को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।